गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आर लास्ट क्लास ऑफ एनाफिजियो इन विच वी विल स्टडी अबाउट द डिसफंक्शन ऑफ द ईयर. लास्ट क्लास ऑफ ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एक्चुअली ईयर आज आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आप भी इसको पढ़ के रख लीजिएगा, क्योंकि हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है. ईयर की सारी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ ली, ईयर के फंक्शंस, दोनों फंक्शंस के, वो हियरिंग कैसे करता है, इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन करता है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. अब ईयर में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है डिसफंक्शंस ऑफ द ईयर. तो एक्चुअली बहुत सारे डिसफंक्शंस ईयर के अंदर देखे जा रहे होते हैं. जो आपको सबसे पहला तो भाई पता है, बहरापन. तो सबसे पहला डिसफंक्शन तो अपन पढ़ेंगे डेफनेस. इस डेफनेस के अलावा और कौन कौन से आप पढ़ेंगे, तो न्यूरल पर बाइक्यूस प्रीबाइक्यूसिस टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम वर्टिगो पढ़ेंगे, मिनियारीज सिंड्रोम पढ़ेंगे, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आज वाली क्लास में. और फिर इसके अलावा थोड़े से हम जो है वो ट्रीटमेंट्स भी देख लेंगे. पर फिर भी ट्रीटमेंट्स अपन देखें वो तो चलो बाद की बात है. पर मेनली ये चार जो डिसऑर्डर्स हैं, मिनियारी सिंड्रोम, वर्टिगो, न्यूरल प्रीबाइक्योसिस और आपका जो हियरिंग लॉस है जिसको आप डेफनेस कहते हैं, ये चार टॉपिक. वैसे तो देखते हैं अपन, अगर आज की अपनी क्लास में ये कंप्लीट हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को आपको ट्रीटमेंट भी पढ़ाना है तो हो सकता है मुझे एक नेक्स्ट क्लास और लेनी पड़ जाए. और अगर आज वाले में कंप्लीट हो गया तो अपन आज ही इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे. तो देखिए, डिसफंक्शन ऑफ द ईयर में सबसे पहला मैंने आपको बोला कि डेफनेस डिसफंक्शन है. तो डेफनेस क्या है? डेफनेस को अपन लॉस ऑफ हियरिंग भी कहते हैं. ये लॉस ऑफ हियरिंग टेम्प्ररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, और पार्शल भी हो सकता है, और कंप्लीट भी हो सकता है. भाई हो सकता है थोड़ा बहुत आपको सुनाई ना दे रहा हो, जैसे मुझे सुनाई देता है बुढ़ापे के अंदर, है ना. या फिर हो सकता है आपको पूरी तरह से चीज़ें सुनाई ना दे रही हो, या आपको हो सकता है एक्सीडेंटली थोड़े समय के लिए आपको सुनाई देना बंद हुआ है, या फिर हो सकता है परमानेंटली किसी को बंद हो गया हो सुनाई देना. तो डेफनेस कई तरह के हो सकते हैं. एक्चुअली डेफनेस को अगर अपन क्लासीफाई करें तो डेफनेस दो तरह से क्लासीफाई होती है, कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल. तो ये देखिए डेफनेस के बारे में, डेफनेस क्या है? रेफर्स टू अ लॉस ऑफ हियरिंग विच मे बी टेम्प्ररी और परमानेंट, पार्शल और कंप्लीट. नाउ डेफनेस क्लासीफाई इंटू कंडक्टिव डेफनेस एंड सेंसोरी न्यूरल डेफनेस. फर्स्ट वन, कंडक्टिव डेफनेस को अगर अपन डिटेल में पढ़ें तो देखिए, कंडक्टिव डेफनेस जो है ये तब होती है जब साउंड वेव्स आपको प्रॉपरली कंडक्ट आप तक नहीं हो पा रही है. एक्सटर्नल और मिडल पोर्शन ईयर के, एक्सटर्नल मिडल ईयर के थ्रू आप तक नहीं पहुंच पा रही है, और वो इनर ईयर के फ्लूड के अंदर मोशन नहीं करवा पा रही. क्योंकि हमने फंक्शन में पढ़ा ना कि भाई आवाज़ आपके एक्सटर्नल ईयर से होते हुए आपके मिडल ईयर में आएगी, वो ईयर ड्रम को हिलाएगी, वो तीनों ऑसिकल्स को हिलाएगी, मेम्ब्रेन को हिलाएगी, फिर आपके इनर ईयर के अंदर जो फ्लूड पाया जाता है उस फ्लूड के अंदर मोशन हो रहा होगा. पर अगर कोई ऐसा साउंड आया जो प्रॉपरली आपके एक्सटर्नल मिडल ईयर से होता हुआ अगर आपके इनर ईयर के फ्लूड को अच्छे से हिला नहीं पा रहा है, तो इससे जो डेफनेस होती है उसको अपन कंडक्टिव डेफनेस कहते हैं. इसके पॉसिबल कारण क्या होते हैं? कि ईयर कैनाल में कोई फिजिकल ब्लॉकेज आ गया हो, जैसे ईयर वैक्स के द्वारा, या फिर आपकी ईयर ड्रम रप्चर हो गई हो, या मिडल ईयर का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या वहाँ पे फ्लूड एक्यूमुलेशन हो गया हो मिडल ईयर के अंदर, या फिर आपके ऑसिकल्स जो थी, जो मिडल ईयर की तीनों बोन्स थी, उसके मूवमेंट में रुकावट आ गई हो, कि भाई वो बोन्स चिपक गई हो, स्टेपिस और ओवल विंडो के बीच में कोई बोनी एडहेशन हो गया हो, तो इसकी वजह से जो है ये कंडक्टिव डेफनेस देखी जा रही होती हैं. तो कंडक्टिव डेफनेस क्या है? जब साउंड वेव्स प्रॉपरली आपके एक्सटर्नल मिडल ईयर से कंडक्ट होकर के आपके इनर ईयर के फ्लूड के मूवमेंट को सेट नहीं कर पाती है, तो उसको कंडक्टिव डेफनेस कहते हैं. ये कान में ईयर वैक्स के जम जाने की वजह से कैनाल आपकी ईयर की ब्लॉक हो जाती है, उस वजह से हो सकता है. आपका ईयर ड्रम हो सकता है रप्चर हो गया हो, जिसको अपन कहते हैं ना कान का पर्दा फट गया, छोटा सा फटता है, ऐसे कोई बड़ा सा नहीं फट रहा होता, उसको आप ठीक करवा सकते हैं, उसको कहते हैं रफू करवाना. या फिर मिडल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के साथ में वहाँ पे पानी भर गया हो, तब भी ऐसा हो सकता है, आवाज़ आपको आपके कान के अंदर तक अच्छे से जा नहीं पा रही, या फिर आपका ऑसिकल्स मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेपिस ओवल विंडोज चिपक जाती है, तो इस बोनी एडेशन के बीच वजह से जो है वो
आपका कान अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, तो ये कंडक्टिव डेफनेस कहलाती है। दूसरी मैंने बोला सेंसोरी न्यूरल डेफनेस। तो सेंसोरी न्यूरल डेफनेस में साउंड वेव्स जो होते हैं वो इनर ईयर तक ट्रांसमिट ही नहीं हो पाती और नर्व सिग्नल्स को वो कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो ब्रेन आपका वो साउंड है ये इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता बेचारा कि भाई कोई साउंड आया, क्योंकि वो चीज़ जा ही नहीं रही है आपकी नर्व सिग्नल के थ्रू। तो ये होती है सेंसोरी न्यूरल। ये डिफेक्ट जो होता है वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई में रहता है या ऑडिटरी नर्व्स में रह रहा होता है, और कभी कभार किसी पाथवे में या ब्रेन के किसी पार्ट में डिफेक्ट की वजह से ऐसा देखा जा सकता है। आपके ईयर में इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ईयर में अगर आ रही है तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई में आ रही है या फिर ऑडिटरी नर्व में आ रही है, क्योंकि ये सेंसोरी न्यूरल डेफनेस है, या फिर आपके ब्रेन के किसी पार्ट में या उस रास्ते में कोई दिक्कत आने की वजह से सेंसोरी न्यूरल आपको कंडीशन देखने को मिल रही होती है। तो ये डेफनेस के दो टाइप्स हुए। दूसरी बीमारी मैंने आपको बोली थी न्यूरल प्रीबायक्योसिस। अब ये क्या होती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए न्यूरल प्रीबायक्योसिस क्या है, ये बहुत कॉमन हियरिंग लॉस है, पार्शियल हियरिंग लॉस जो अक्सर लोगों में देखा जा रहा होता है। मेनली ऑब्वियसली बुढ़ापे में देखा जाएगा, कॉमनली देखा जा रहा है। इसका मतलब कब आपको जवानी में थोड़ी अचानक सुनाई देना बंद हो जाता है, नहीं, ये बुढ़ापे में देखे जाने लगे, उम्र हो गई इसलिए बेटा सुनाई कम दे रहा है, ऐसा लोग बोल रहे होते हैं। तो देखिए न्यूरल प्रीबायक्योसिस एक बहुत ही कॉमन पार्शल हियरिंग लॉस है जो प्रोग्रेसिव एज रिलेटेड प्रोसेस है। हेयर सेल्स के साथ में ये दिखाई दे रहा होता है। इसमें क्या होता है भाई आपको, दैट अकर्स ओवर टाइम एज द हेयर सेल्स वेयर आउट विद यूज़, क्योंकि हेयर सेल्स बेचारी पुरानी हो गई तो वो थोड़ा सा काम करना होता, फंक्शन करना सही कर नहीं पा रही होती है। या फिर हो सकता है कि भाई आजकल मॉडर्न डे का जो आप साउंड सुनते हैं, बहुत तेज़ तेज़ लाउड म्यूज़िक बजाने की आपको आदत है, डीजे का साउंड सुनने की आपको आदत होती है, तो उतना बड़ा साउंड सुनने की वजह से हो सकता है आपके हेयर सेल्स के अंदर कोई डैमेज हो गया होगा, या तो भाई उम्र के साथ आपके हेयर सेल्स में प्रॉब्लम आ गई, या लाउड साउंड सुनने की वजह से आपकी हेयर सेल्स डैमेज हो गए हो। लंबे समय तक अगर आप ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, आप अपने ईयरफोन लगाए रखते हैं और बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक आपने बजा रखा है, तब भी ऐसा डैमेज देखने को मिलता है। एक एडल्ट जो है वो 40% से ज़्यादा, एवरेज 40% से ज़्यादा जो है वो लॉस करता है उसके कोक्लियर हेयर सेल्स को 65 की एज के बाद में, 65 साल की एज के बाद में आपके कोक्लियर हेयर सेल्स जो है वो 40% केसेस में लॉस होने स्टार्ट हो जाते। तो हेयर सेल्स कम हो गए तो आपको न्यूरल प्रीबायक्योसिस उम्र के साथ देखने को मिलता है। ये जो हेयर सेल्स होती हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को जो है वो उनके लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड अगर आप बूढ़े लोगों को सुना रहे हैं तो उनमें हेयर सेल्स के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड में। इसलिए वैसे भी खैर आपको ज़्यादा लाउड साउंड नहीं सुनना चाहिए, पर स्पेशली उम्र के साथ तो आपको बिल्कुल भी लाउड साउंड को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो आपकी हेयर सेल्स का लॉस हो जाएगा, कान में पाए जाने वाले हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसको अपन न्यूरल प्रीबायक्योसिस कहते हैं। न्यूरल प्रीबायक्योसिस क्या है, पार्शियल हियरिंग लॉस, कंप्लीट नहीं है, बूढ़े लोग कोई पूरी तरह से बहरे नहीं हो जाते, पर उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई दे रहा होता है। तीसरी प्रॉब्लम है वर्टिगो, चक्कर आना, जो आपने सुना है कई बार, अक्सर लोग कह रहे होते हैं उनको चक्कर आ रहे हैं, लड़कियों में कॉमनली पाया जा रहा होता है, पर वो तो उनमें कमज़ोरी की वजह से देखा जा रहा होता है, बुढ़ापे में देखा जा रहा होता है। अब क्या है ये वर्टिगो अपन देखते हैं। तो देखिए वर्टिगो रोटेशन का सेंसेशन है, जब इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाता है, कि सर चक्कर आ रहा है तो आपका बैलेंस नहीं रहेगा भाई, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े नहीं रह सकते हो, एक जगह ढंग से बैठ नहीं सकते हो, आपको किसी चीज़ को होल्ड करके रखना होता है। इसी वर्टिगो को अपन दूसरे शब्दों में डिजीनेस कहते हैं। डिजीनेस वर्टिगो एक ही बात है कि चक्कर आना, चक्कर आना मतलब सेंस ऑफ रोटेशन इन द एब्सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है नहीं, आपका बैलेंस है नहीं, आप स्थिर नहीं रह सकते और आपका सर चकरा रहा है। वर्टिगो हो सकता है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है, ट्यूमर्स की वजह से हो जाता है, जैसे कि एकॉस्टिक न्यूरोमा एक ट्यूमर है जिसकी वजह से भी लोगों को हर समय चक्कर आ रहे होते हैं अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो। वर्टिगो जो है वो नॉर्मली इंडिविजुअल्स में देखा जा रहा होता है एक्सेसिव स्टिम्युलेशन अगर उनकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स में हो रहा होता है, तब कब हो रहा है,
अगर उनके सेमी सर्कुलर कैनाल में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टिम्युलेशन होता है तो वर्टिगो का सेंसेशन उनमें आ रहा होता है। कुछ इंडिविजुअल्स में एक्सेसिव स्टिम्युलेशन अगर यूट्रिक्युलाई का हो जाए, यूट्रिकल में बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट हो रहा है अगर किसी का यूट्रिक्युलाई, तो उनको मोशन सिकनेस हो जाता है। आपने वर्ड सुना है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्यों होता है? यूट्रिकल के स्टिम्युलेशन में, जैसे यूट्रिकल अभी अपन ने पढ़ा था ना भाई, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। मैक्यूला यूट्रिक्युलाई के अंदर ये चीज़ें आई थी। तो कुछ लोगों के अंदर यूट्रिकल्स का स्टिम्युलेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनमें मोशन सिकनेस हो जाता है। मोशन सिकनेस कैसे? आपने कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, कार में ट्रैवल नहीं कर सकते, एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, या सी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ओशंस वगैरह में जो क्रूज़ वगैरह जा रहे होते हैं, सी में मतलब ऐसे आप स्विमिंग करने गए हो वो नहीं, आप क्रूज़ वगैरह के अंदर गए हो उसके अंदर आप सी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, या झूला नहीं झूल सकते हैं। आप ये झूले होते हैं ना, बड़े बड़े झूले आपने देखे हैं कि ये जब ट्रेड फेयर्स वगैरह लग रहे तो उनमें झूले होते, तो उनमें वो नहीं कर सकते हैं, झूल सकते हैं। तो ये सारे मोशन सिकनेस कहला रहे होते हैं। कार सिकनेस, एयर सिकनेस, सी सिकनेस, ये सब एक तरह के मोशन सिकनेस हैं। तो ये जो मोशन सिकनेस है वो भी वर्टिगो का एक टाइप ही है। जो क्यों हो जाता है? क्योंकि यूट्रिकल बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट हो जाता है, उसकी वजह से कुछ लोगों में ऐसा देखा जा रहा होता है। फिर वो मोशन सिकनेस की वजह से अगर वो उस समय वो बैठे हैं कार के अंदर, अगर उनको कार सिकनेस है तो उनको वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ट्रेन के अंदर वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उनका सिर घूमता रहता है, तो ऐसे लोगों को दवाई लेनी पड़ती है। ये लोग दवाई लेते हैं। और दवाई की भी एक खासियत मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्टिगो की या ये जो मोशन सिकनेस की अगर आप दवाई ले रहे हो, तो मोशन सिकनेस जिस समय हुआ है अगर आप उस समय दवाई ले रहे हो तो उस दवाई का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो वो अगर मूवमेंट करने वाला तो उसको आधे घंटा पहले वो दवाई लेनी पड़ेगी, तब वो दवाई अपना असर दिखाएगी, अदरवाइज दवाई असर नहीं दिखाएगी। तो ये है वर्टिगो। अब लास्ट बीमारी है मिनियारीज सिंड्रोम। मिनियारी सिंड्रोम क्या है भाई? ये इंटरनल ईयर का डिफेक्ट है जो आपके हियरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों पे असर डालेगा, क्योंकि इंटरनल जो ईयर है वो आपके हियरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये दोनों पर असर डालेगा और दोनों की बीमारी है। पेशेंट्स इनिशियली तो उनको चक्कर आ रहे होते हैं और टिनाइटस, कानों में घंटियाँ बज रही होती है, टिनाइटस की आवाज़ उनको सुनाई दे रही होती है, घंटियाँ कानों में बजना, और बाद में धीरे धीरे उनमें हियरिंग लॉस, लो फ्रिक्वेंसी का हियरिंग लॉस जो है वो होने लग जाता है। इसका कारण क्या होता है कि भाई वो डक्ट जो है, कोक्लिया में जो डक्ट है वो ब्लॉकेज हो गई होगी, तो जिससे कि एक्सेस एंडोलिम्फ का ड्रेन एक्सेस में हो रहा है, वो एंडोलिम्फ दूर एक्सेस में ड्रेन होता जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा होता है, या डक्ट में ब्लॉकेज हो जाता है तब देखा जा रहा होता है, ब्लॉकेज ऑफ डक्ट की वजह से, जिससे कि एंडोलिम्फेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। क्या हो रहा है कि ब्लॉकेज ऑफ डक्ट कॉजेज एन इंक्रीज इन द एंडोलिम्फेटिक प्रेशर एंड स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इन विच द इनर ईयर हेयर सेल्स आर लोकेटेड। क्योंकि आपने देखा ना भाई, अपन ने पढ़ा था अभी कि जो हेयर सेल्स है वो मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, तो इनर हेयर सेल्स जो आपके मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होती है उसमें तो स्वेलिंग आ गई, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में स्वेलिंग आ गई, उसमें हेयरिंग सेल थी, वो हेयर सेल बेचारी मूवमेंट नहीं करेगी तो ना सुनाई देगा ना बैलेंस रहेगा, और एंडोलिम्फेटिक जो प्रेशर है वो बढ़ गया, जिससे कि डक्ट के अंदर ब्लॉकेज की वजह से ऐसा देखा जा रहा होता है कि डक्ट में कोई ब्लॉकेज आ गया था। ब्लॉकेज क्यों आ गया था? क्योंकि एंडोलिम्फ जो वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है ब्लॉकेज की वजह से, तो आपके हेयर सेल्स वगैरह मूवमेंट नहीं करेंगे, तो आपको डिजीनेस भी दिखाई देगी, टिनाइटस भी दिखाई दे रहा होता है। टिनाइटस होता है कानों में घंटियाँ बजना, डिजीनेस होता है चक्कर आना, और ऐसा लगातार हो रहा होता है पेशेंट के अंदर, तो इसको अपन मिनियारीज सिंड्रोम कहते हैं। तो ये चार तरह की बीमारियाँ अपन ने पढ़ी आज की क्लास के अंदर। मैं चाहती तो थी कि मैं आपको आज ये टॉपिक पूरा करवा दूँ, पर चलिए खैर आज ये टॉपिक नहीं हो पाएगा क्योंकि लंबी क्लास हो गई। हालांकि करवा सकते हैं अपन हियरिंग लॉस का ट्रीटमेंट भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ भाई, हियरिंग एड्स और कॉकलियर इम्प्लांट इसके अंदर काम आ रहा होता है,
इसको अपन साथ में पढ़ सकते हैं, पर ठीक है आज के लिए तो काफ़ी है। अब छुटकी से एक और क्लास अपन ले लेंगे, कोई बात नहीं है, लास्ट क्लास नहीं है आज, सेकंड लास्ट क्लास है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपकी लास्ट क्लास है। तो आज की अपन ने क्लास के अंदर चार डिसीज़ पढ़ी, एक तो अपन ने डेफनेस पढ़ा, मतलब बहरा होना। बहरा होना टेम्प्रेरी परमानेंट भी हो सकता है, पार्शल और कम्प्लीट भी हो सकता है, पर डेफनेस को अपन ने दो तरह से क्लासीफाई किया था, कंडक्टिव डेफनेस और न्यूरल डेफनेस। दूसरी अपन ने डिजीज़ पढ़ी थी न्यूरल प्रीबैक्यूसिस, जिसके अंदर पार्शियल हियरिंग लॉस हो रहा होता है, क्योंकि इसमें हेयर सेल्स जो होते हैं उम्र के साथ ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, या आप लाउड साउंड सुनते हैं तो हेयर सेल्स का डैमेज हो जाता है। तीसरी डिजीज़ थी वर्टिगो यानी चक्कर आना, जिसको अपन डिजीनेस भी कहते हैं, क्योंकि आपका कान हियरिंग इक्विलिब्रियम दोनों का फंक्शन कर रहा होता है, तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता तो वर्टिगो की कंडीशन आ जाती है। वर्टिगो का एक टाइप है मोशन सिकनेस, कि जिसमें लोगों को कुछ पर्टिकुलर मोशन के दौरान सिकनेस हो रही होती है। और लास्ट टॉपिक है मिनियारीज डिजीज़, ये इंटरनल ईयर की डिजीज़ है, जिसमें हियरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट